hello dear students welcome to my channel physics by mamta singh and in this video i am going to share with you the recent cbse syllabus for the upcoming class 12th term 2 physics exam so this is chapter number 8 electromagnetic waves and optics ray optics and optical instrument and wave optics combinedly all these three chapters that means chapter number 8 9 10 kitne marks 17 marks दैन डूअल नेचर ऐटम एंड न्यूक्लियाई सो ये तीनों चैप्टर चैप्टर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन डूअल नेचर ऐटम एंड न्यूक्लियाई दे आर ऑफ इलेवन मार्क्स एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज़ सेमी कंडक्टर इज ऑफ सेवन मार्क्स तो ध्यान रखना है कि सेमी कंडक्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको चैप्टर वाइज जो है प्रिपेयर करने हैं सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेज जो है इसमें से एक तो न्यूमेरिकल्स आपको प्रिपेयर करने हैं फ्रीक्वेंसी दे देंगे वेवलेंथ निकालनी है या फिर एक फॉर्मूला है हमने पढ़ा है ई नॉट अपॉन बी नॉट का जो रेशो होता है दैट इज़ वॉट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट देन एक एन में टेबल है जिसमें हम वेव्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अलोंग विद उनकी प्रॉपर्टीज़ डिटेक्शन तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो मुझे लग रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तो ये क्वेश्चन है कि इन्फ्रा रेड वेवस आर नोन एज हीट वेवस एक्सप्लेन तो वाई इन्फ्रा रेड वेव्स आर नोन एज हीट वेवस नेक्स्टली एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम ध्यान रखना जो भी चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आपको बता रही हूँ उसको आपको ढंग से प्रपैर करना है अपने एग्जाम के लिए अब हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ओके अब रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक तो टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसमें केस स्टडी भी आ सकती है सो टी आई आर की जो एप्लीकेशंस हैं जैसे मिराज जो सी बी एस ई सैम्पल पेपर है उसमें मिराज के ऊपर जो है ऑप्टिकल एल्यूजन के ऊपर केस स्टडी है और डायमंड के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है टी आई आर टोटल इंटर रिफ्लैक्शन उसके ऊपर भी एक केस स्टडी इससे प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर में आई थी सो so, ये ध्यान रखना है डायमंड के अंदर भी क्रिटिकल एंगल जो है स्मॉल होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर सो ये वाला जो क्वेश्चन हैं डायमंड के ऊपर केस स्टडी देन ऑप्टिकल इल्यूजन के ऊपर केस स्टडी दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना वट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड तो ये भी याद कर लेना डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सो वैन क्रिटिकल एंगल इज़ ट्वेंटी फोर पॉइंट टू सो दैट मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा एंड डायमंड के अंदर शाइन उसकी किस वजह से होती है मल्टीपल टी आई आर होने की वजह से होती है तो ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ जो आपको ध्यान रखनी है देन लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल पर्टिकुलरली कि लेंस की एयर में फोकल लेंथ इतनी है जब हम इसको किसी मीडियम में डिप कर देंगे तब कितनी फोकल लेंथ आएगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो ये ध्यान रखना है आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके okay. नेक्स्ट इसके अंदर से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रे डाइग्राम्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी रे डाइग्राम देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डाइग्राम और ध्यान रखना है नॉर्मल एडजस्टमेंट पे फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी पर और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ अ बेटर टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कौन सा बेटर है तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वैसे जब क्लासेस अटेंड करते हैं आप रेगुलरली सो रिफ्लेक्टिंग जिसमें मिरर का कॉम्बिनेशन होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आर मच बेटर बिकॉज़ दे आर हैविंग नो क्रोमेटिक एब्रिएशन नो स्फेरिकल एब्रिएशन सो आपको ये पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज़ बेटर एक और क्या कंडीशंस या क्या क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इन केस ऑफ टेलीस्कोप तो मैंने आपको पढ़ाया था आपको याद होगा कि ऑब्जेक्टिव इन केस ऑफ टेलीस्कोप इज़ टेकन टू बी लार्ज एंड इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज़ टेकन टू बी स्मॉल तो स्मॉल होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव आई पीस लार्ज और टेलीस्कोप में अपोजिट होता है ऑब्जेक्टिव इज अ वेरी लार्ज लेंस एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लार्ज होता है ताकि उसकी लाइट गैदरिंग पावर ज़्यादा हो ठीक है ऑब्जेक्टिव लार्ज होता है आई पीस इज़ अ स्मॉल फोकल लेंथ तो ये भी ध्यान रखना है क्राइटेरिया किसके बेसिस पर हम ऑब्जेक्टिव आई पीस को सेलेक्ट करते हैं देन आइए वेव ऑप्टिक्स सबसे पहला ये पॉइंट वेव फ्रंट क्या होता है इंपॉर्टेंट देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद में जो मुझे लग रहा है हाइगन्स थ्योरी के बेसिस पर हाइगन्स थ्योरी के बेसिस पर स्नेल लॉ का प्रूफ और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर तो ये भी ध्यान रखना है हाइगन्स थ्योरी के ऊपर हमें ये प्रूफ करने हैं ओके okay, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेन वेव फ्रंट आ रही है प्रिज्म uh, पे स्ट्राइक कर रही है मिरर पे स्ट्राइक कर रही है देन कॉन्वेक्स लेंस पे उसके बाद उसका जो पार्ट होगा वो किस टाइप की वेफरेंट होगी दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन तो ध्यान रखना इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका डिफरेंस बनता है कि इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं ओके आगे देखते हैं डूअल नेचर डूबल नेचर अगेन एक जो है थियोरिटिकल चैप्टर आता है इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है एक तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट देन द स्लोप ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ और स्लोप किसके इक्वल आता है एच अपॉन ई और वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल तो स्लोप जो है फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ एंड ऑफ कोर्स लॉज ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रिक कमीशन राइट एंड निमारिकल्स तो मैंने बता दिया है ये सिलेबस भी है इस वीडियो में साथ के साथ सिलेबस भी कवर हो रहा है देन एटम चैप्टर है हमारे पास में देन न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस और न्यूमैरिकल्स इसमें कौन से वाले न्यूमेरिकल बेसिकली मास डिफेक्ट वाले सपोज करो एक रिएक्शन आपको दे दी मास डिफेक्ट निकालना है सो पेरेंट न्यूक्लियस में से जो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं उनके मास को माइनस कर देंगे मास डिफेक्ट यूल गेट एंड यू विल मल्टीप्लाई द मास डिफेक्ट मास डिफेक्ट बाई नाइन थर्टी वन पॉइंट फाइव मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी या क्यू वैल्यू कितनी क्यू वैल्यू है एनर्जी रिलीज हो रही है उस प्रोसेस में वो पता चल जाएगा सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस अब एनअदर पार्ट अगर हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स में से तो एलईडी फोटोडायोड सोलर सेल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलईडी फोटोडायोड सोलर सेल एंड रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अ फुल वेव रेक्टिफायर सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू तो इसको ध्यान रखना है एनटीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके बारे में भी आपको पढ़ना है क्या कंडीशंस होती हैं टीआईआर की होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और फर्दर बोर्ड एग्ज़ाम के आने से पहले मैं थोड़ा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट uh, नाव right के लिए अभी आप इसके बेसिस पे तैयारी करें ये जो वीडियो मैंने शेयर किया है इसमें जो टॉपिक हैं वही अब आपके सिलेबस में टॉपिक हैं तो ये आपका सिलेबस भी कवर हो गया है साइड बाई साइड